खरगोन जिले के मैनगांव थाना क्षेत्र के राजपुरा और छटल गांव के बीच रेणुका माता के मेले में मटका कुल्फी खाने से करीब 40 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। पेट दर्द के साथ ही उल्टी दस्त की शिकायत के बाद ताबड़तोड़ नागझिरी, राजपुरा, छटल गांव, बड़गांव, घट्टी और बलगांव के लोगों को जिला अस्पताल खरगोन में भर्ती कराया गया। राजपुरा और छटल गांव के बीच स्थित रेणुका माता मंदिर पर एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। बताया जा रहा है कि बीती रात मटका कुल्फी खाने के बाद देर रात करीब 40 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिसमें 16 बच्चे भी शामिल है। दो बच्चों को छोड़कर सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। देर रात 1 बजे के बाद सभी मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, मैनगांव TI दिनेश कुशवाहा सहित प्रशासनिक अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। मरीज सहित लोगों का कहना है कि मटका कुल्फी खाने के बाद लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये हम रेणुका माता के मेले में गए थे, क्योंकि वहाँ से कुल्फी खाई मैंने, भी खाई और मेरी बच्ची 3 साल की है उसने भी खाई, उससे ही उल्टे दस्त होने चालू हो गया। कितने लोग? कम से कम 50-60 जो है। क्या तकलीफ हो रही थी? उल्टी दस्त और क्या, पेट दर्द कर रहा, उल्टी दस्त हो रही। बेटी भी भर्ती तुम्हारी? बच्ची भी भर्ती है ना, ये लड़के की लड़की है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुशवाहा। ये राजपुरा के पास वहाँ रेणुका देवी का मेला लगा हुआ था, जिसमें करीब कुल्फी खाने की वजह से 40 के आसपास हमारे पास मरीज आए, जिसमें 16 बच्चे हैं। 16 बच्चों में से 2 सीरियस है, बाकी सब स्टेबल है। उनका अभी वॉमिटिंग और डायरिया अभी भी स्टिल चालू है, लेकिन वो भी मैनेज हो रहा है। मोस्ट प्रायबली ये जब हिस्ट्री ली है तो ये पता चला है कि जो कुल्फी थी, मटका कुल्फी, उसकी वजह से ये हुआ है। सभी लोगों ने एक ही साथ यही हिस्ट्री दी है। फूड पॉइजनिंग का मामला है, करीब 7:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था और अभी केसेस स्टिल आ रहे हैं। केसेस और भी आ रहे हैं तो टीम भी जाएगी क्या होता कि यहीं पे सब इलाज? अभी तक तो सब यही इलाज हो गया है, मतलब प्राइमरी वहाँ पे जब मैनेज नहीं हुआ तो सारा का सारा 108 से भी सारे मरीजों को मोबिलाइज कर लिया गया है यहाँ पे। मरीजों की हालत सभी स्थिर है, सिर्फ 16 बच्चों में से 2 बच्चों की हालत थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन वो भी अभी कंट्रोल में ही है। खतरे से बाहर। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर दिलीप सेप्टा, RMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन। आज रेणुका माता का आज एक दिवसीय मेला था, तो मेले में आसपास जैसे छटल गांव है, राजपुरा है, नागदिरी है, बलगांव है, घट्टी है और बड़गांव, जैसे आसपास क्षेत्र के सब लोग जाते हैं, तो वहाँ पर सब मेला देखने गए, माता जी के दर्शन किए, उसके बाद में कुल्फी वगैरह खाई है, तो कुल्फी से फूड पॉइजन का ये हुआ। तो यहाँ पर आज वो कलगीतुरा कार्यक्रम चल रहा था नागदिरी में, तो हम सब लोग वहाँ थे, तो आसपास गाँव से लोग आए, सब बच्चे उल्टियाँ कर रहे थे, उल्टियाँ दस्त कर रहे थे, पता गया तो ऐसे फिर एम्बुलेंस बुलाई और यहाँ सबको लेके आया। कितने लोग हैं यहाँ पर? करीबन है मतलब 35 से 40 बच्चे और बड़े मिला के 5-7 गांव से। उपचार चल रहा है? हाँ, उपचार सबका चालू हो गया। प्रशासन, हमारे SDM साहब और तहसीलदार साहब और TI साहब वगैरह साहब, यानी डॉक्टर की पूरी टीम आ गई और आप देख ही रहे इलाज चालू हो गया। क्या नाम है आपका? बापू सिंह परिहार, उपाध्यक्ष जिला पंचायत खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।